आप मना कर रहे हैं क्योंकि सब आपका नाम है, ठीक है? तो मैं सुनना चाहती हूँ, जयपुर के कला डेरा में महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा के बाद कांग्रेस नेताओं में विवाद हो गया। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रुक्षमणि कुमारी और पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी के बीच विवाद हो गया। रुक्षमणि कुमारी ने भगवान सहाय सैनी को जमकर खरी खोटी सुनाई। सैनी से उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप ऐसी हरकतें करके कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। आप मना कर रहे हैं क्योंकि सब आपका नाम है, ठीक है? तो मैं सुनना चाहती हूँ, पूछ रही हूँ, पूछ रही हूँ, ऐसे पार्टी मजबूत आपकी जिम्मेदारी बनते हैं, आप हमारे सम्मान्य हैं, आपकी आपकी होनी चाहिए कि पार्टी को कैसे मजबूत करें। इस तरह की अच्छी बात नहीं, अच्छी बात। फिर क्या हुआ? गहलोत साहब खुद ही बुला ली, ऐसे कर रहे हैं आप, सम्मान्य है? कब से बोल रही हूँ मैं आपको, समझा रही हूँ, आप समझ नहीं रहे। विवाद की शुरुआत मंगलवार को मुख्यमंत्री की सभा में मंच पर रुक्षमणि कुमारी की कुर्सी नहीं लगाने से शुरू हुई। शुरुआत में उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई तो वो आम लोगों के बीच जाकर बैठ गईं। बाद में जब सीएम गहलोत की निगाह उन पर पड़ी तो उन्हें मंच पर बुलाया गया। सीएम के दखल के बाद उन्हें मंच पर बैठने की जगह मिली। मुख्यमंत्री की सभा के बाद जैसे ही रुक्षमणि कुमारी का भगवान सहाय सैनी से सामना हुआ तो उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। रुक्षमणि कुमारी और भगवान सहाय सैनी के बीच लंबे समय से सियासी विवाद चला आ रहा है। भगवान सहाय सैनी चौमू से विधायक रह चुके हैं लेकिन पिछले दो चुनाव हार चुके हैं, तो वहीं रुक्षमणि कुमारी भी चौमू से कांग्रेस टिकट की दावेदारी कर रही हैं। आप मना कर रहे हैं क्योंकि सब आपका नाम है, ठीक है? तो मैं सुनना चाहती हूँ, मैं पूछ रही हूँ, सार्वजनिक पूछ रही हूँ, ऐसे पार्टी मजबूत आपकी जिम्मेदारी बनते हैं, आप हमारे सम्मान्य हैं, आपकी आपकी होनी चाहिए कि पार्टी को कैसे मजबूत करें। इस तरह की अच्छी बात नहीं, अच्छी बात। फिर क्या हुआ? गहलोत साहब खुद ही बुला ली, ऐसे कर रहे हैं आप, सम्मान्य है? कब से बोल रही हूँ मैं आपको, समझा रही हूँ, आप समझ नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।